अब साथी चाहे इस क्वेश्चन को देख लो, ये भी देखिए पूछा जा चुका है आपका, ठीक ना। और ये आपका जो है इसमें असंगत ढूंढना है, ठीक। इन सब टाइप से रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम दीजिए और अगर जिन लोग दिए होंगे उनको पता होगा। देखिए असंगत को ज्ञात कीजिए, तो इसमें असंगत मतलब चार को ऑप्शन लिखा है, इसमें से तीन तो किसी तरीके से एक जैसे लग रहे होंगे, एक कोई अलग होगा, तो वही अलग बताना है क्या होगा। तो देखिए आप आईटी लगाओ, देखो पिस्तौल क्या होता है आपको पता होना चाहिए ना, तलवार क्या होता है, गन बंदूक क्या होता है या राइफल क्या होता है। तो आपको देखिए बता दूँ, जैसे पिस्तौल हो गया या गन हो गया ये राइफल हो गया, ये क्या है, इन सभी में जो मतलब इसमें जो है बुलेट निकलता है, बुलेट से चलते हैं ना, बुलेट लगाओ फायर करो दूर से ही। लेकिन ये तलवार ये बिल्कुल अलग है, ठीक है, इसमें बुलेट बुलेट कुछ नहीं होता है, ठीक। आप वैसे भी समझ रहे हो तलवार तो अलग है ही, पिस्तौल तमंचा बंदूक ये तो सब एक ही जैसे है ना, चाहे पिस्तौल हो गन बंदूक हो या राइफल एक ही जैसे, एक ही बात है सब। लेकिन तलवार ये आपकी अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ से आपका संगत क्या हो जाएगा, तलवार हो जाएगा, राइट। आई होप कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप याद रखोगे, इसे बुलाओगे नहीं, ठीक ना। अगर साथियों समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करके, ओके।